देखिए, मेरा नाम प्रमोद। आज के दिन हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर लिमिटेड फुली पेड ऑर्डर शेयर्स के बारे में। तो 2% या 2.5% की जो उछाल आपको देखने को मिली है, शायद उससे भी ज़्यादा 3% की उछाल थी ये। और अभी बात करें इस उछाल की, तो ये उछाल क्यों आई थी उसके बारे में आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही में इसके ऊपर आई हुई एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल व्यू बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम चले, आप उससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे मिल जाए आपको लेटेस्ट अपडेट। और अगर चले न्यूज़ बेसिस पे, तो आपको देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स रीगेनिंग शेयर इन पीवी रिटेन बाय एट ₹435 PT। तो जो टाटा मोटर्स है उनको मस्त एक मिला है टारगेट, तो उस वजह से आपको जंप देखने को मिली है। साथ में आप बात करूँ, मैंने जैसे कल के वीडियो में बताया था, ये जो लॉन्ग टर्म वेजेस सेटलमेंट किया है लेबर यूनियन के साथ, उस वजह से भी उछाल देखने को मिली है। और अब ये न्यू रिकॉर्ड तोड़ सकता है टाटा मोटर्स। अगर बात कर लूँ जो ये पहली न्यूज़ है उसके बारे में, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो पूरी अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। तो आपको देखने को मिल सकता है कि जो टाटा मोटर्स है उसको रीगेनिंग कर रहा है, लेकिन कहाँ देखे तो एक बैड न्यूज़ भी देखने को मिलती है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन अभी इम्पैक्ट इतना नहीं है बैड न्यूज़ का जो आपको देखने को मिले, अच्छी खासी उछाल देखने को मिला आज। बात कर लूँ 5 दिन की, तो उसके अंदर गिरावट थी और अब जाके उछाल देखा है 5-6% का कल से अभी तक। बात कर ले अगर 1 महीने की, तो आपको देखनी पड़ेगा न्यूट्रल परफॉर्मेंस रहा है 6 महीने में भी, और 1 साल में भी कुछ खास रहा है, देख सकते हैं कुछ खास है। 1 साल के अंदर 125% रिटर्न, 5 साल के अंदर बिल्कुल नेगेटिव था, क्योंकि कभी स्टॉक 600 को टच करने की कोशिश कर रहा था और फिर डाउनवर्ड आता आता आप देख सकते 70 रुपये पे आ चुका है। और मैक्स की बात कर ले अगर स्टॉक की, तो ज़्यादा रिटर्न नहीं 800, लेकिन एक बढ़िया टच दे सकता है स्टॉक लॉन्ग टर्म के अंदर। वैसे देखा जाए तो यहाँ से जो उसकी ब्रेक डाउन हुई थी, उसके बाद अच्छे रिटर्न दिए हैं टाटा मोटर्स ने, और आने वाले टाइम में भी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। वैसे तो देखा जाए टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल को, तो वो साफ दर्शाते हैं कि बड़ा स्टॉक है और बड़े रिटर्न देने काबिलियत रखता है। आप देखें हर क्वार्टर में बढ़िया रिटर्न एक बढ़िया स्टॉक ही दे सकता है। तो ओवरऑल मेरा वीडियो आज यहीं तक था। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।